बागेश्वर जनपद में खेल महाकुंभ शुरू हो गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव सहित दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट, नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल, जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने महाविद्यालय प्रांगण में खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। खेल महाकुंभ के दौरान सभी अतिथियों ने खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने खिलाड़ियों को खेल भावना की शपथ दिलाई। विजेता खिलाड़ियों को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख हेमा बिष्ट व पुष्पा देवी, पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कौंडे, CDO RC तिवारी, CMO डॉक्टर DP जोशी आदि मौजूद थे। जनपद में न्याय पंचायत स्त्री खेल महाकुंभ प्रतियोगिताओं के साथ जनपद में खेल महाकुंभ की शुरुआत आज मुख्य अतिथि महोदय की ओर से यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है, जिसमें न्याय पंचायत स्त्री, जिसमें न्याय पंचायत आर्य और फिल्याटी की टीमें इसमें प्रतिभाग कर रही हैं। आज से ही पूरे राज्य में खेल महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। इन 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में न्याय पंचायत स्त्री खेल महाकुंभ आयोजित किया जाना है, जिसके अंतर्गत न्याय पंचायत स्त्री खेलकूद प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को पुरस्कार की धनराशि का भी शासन द्वारा व्यवस्था इसमें की गई है। इस बार जो प्रथम आएगा उसको 300 रुपये का पुरस्कार, जो द्वितीय है उसको 200 रुपये का पुरस्कार, जो तृतीय है उसको 150 रुपये के पुरस्कार की धनराशि से सम्मानित किया जाना है। इसी प्रकार जो हमारी विजेता टीमें आएंगी वो विकासखंड स्तर पर प्रतिभाग करेंगी। विकासखंड स्तर पर 4 प्रतियोगिताएँ और 3 एज ग्रुप में की जानी है, Under-14, Under-17, Under-19, जिसमें हमारी एथलेटिक, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल और खो खो की प्रतियोगिता इसमें आयोजित की जानी है। उसमें भी हमारे कैश प्राइज की व्यवस्था है। इसी प्रकार जनपद स्तर पर इस बार 11 खेल विधाओं में बालक बालिकाओं के मध्य 3 एज ग्रुप में प्रतियोगिताएं होनी है, Under-14, 17 और 19, जिसमें ओपन में हमारे बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, कराटे, जूडो और अन्य प्रतियोगिताएं उसमें होनी है। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे जनपद के सभी युवाओं से, वो बढ़ चढ़ के खेल महाकुंभों में प्रतिभागिता करें और जनपद का नाम रोशन करें। सर, कल युवा महोत्सव क्या होना है? कल विकासखंड बागेश्वर में युवा महोत्सव का भी आयोजन किया जाना है, जिसमें लोकगीत, लोक नृत्य और एकांकी विधाओं में Under-15 to 29 एज ग्रुप में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना है। उसमें भी मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, जनपद विकासखंड के प्रतिभागियों से अपनी टीमों के साथ प्रतिभाग करें। उसमें आकर्षक पुरस्कार विकासखंड बागेश्वर की ओर से उसमें दिया जाएगा और जो भी विजेता टीम होंगी वो जनपद में प्रतिभाग करेंगी। आज खेल महाकुंभ 2023 के शुभारम्भ हो रहा है। आज न्याय पंचायत स्तर पर यहाँ पर खेल का भव्य आयोजन किया गया है, जिसके लिए मैं जो यहाँ पर न्याय पंचायत स्तर से सभी खिलाड़ी आए हैं, मैं सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामनाएं करती हूँ। और यहाँ पर जो भी हमारे जो बालक बालिकाएं Under-14, Under-17, Under-19 वर्ग के बालक बालिकाएं आए हैं, जो बालक बालिका प्रथम, द्वितीय, तृतीय आएंगे उन्हें पुरस्कार और प्राइज से नवाजा जाएगा। और इसी तरीके से वह आज न्याय पंचायत स्तर पर चुनकर ब्लॉक स्तर पर, उसके पश्चात जिला स्तर पर, उसके पश्चात राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे। जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें आगे के लिए चयनित होंगे। मैं सभी जनपद के यहाँ पर जो प्रतिभागी खिलाड़ी आए हैं न्याय पंचायत में, सभी को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। इसी तरीके से हमारा वो जनपद के साथ साथ पूरे प्रदेश का नाम रोशन करे। कुंभ 2023 अपने आप में एक अनोखा हमारा आयोजन रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इनकी शुरुआत की थी, आने वाले जो हमारे छोटे छोटे खिलाड़ी हैं उनको काफ़ी प्रोत्साहन मिले। हम न्याय पंचायत ने गाँव के अंदर तक जाके खिलाड़ियों को खोज खोज के निकाले, ये उस दिशा में एक प्रयास था। तो इस बार ये हमारे राज्य में बहुत हर्षोल्लास के साथ इसका आगाज किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको पर्सनली सुपरविजन कर रहे हैं, माननीय खेल मंत्री जी ने इसमें बहुत सारे दिशा निर्देश दिए हैं। इस बार इसमें न्याय पंचायत लेवल पर भी 1st, 2nd, 3rd प्राइज निर्धारित हुआ है और काफ़ी स्ट्रीमलाइन करते हुए, काफ़ी इसको अच्छे से आयोजन को करते हुए हमें इंस्ट्रक्ट किया गया है और हम इसको बहुत अच्छे से कराएंगे। पहली बार हमने शुभारंभ का आगाज जब इतना अच्छा किया है तो आगे हमारी प्रतियोगिताएँ भी काफ़ी अच्छी होंगी। तो इसमें हम देख ही रहे हैं कि लगातार ये जब से शुरू हुआ है तब से हमारे कितने खिलाड़ी, देश भर के कितने खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं। तभी हम एशिया में, एशियन गेम में हम 108 मेडल भी ला पा रहे हैं। निसंदेही आने वाले टाइम में जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो इतने स्किल्ड हो जाएंगे कि अब हम सारे ही जितने वर्ल्ड लेवल के गेम्स हैं उसमें अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। और अभी जब मैं देख ही रही थी छोटे छोटे बच्चों का स्किल बहुत अच्छा निकल के आ रहा है,
वो कुछ कबड्डी भी खेल रहे थे, कुछ रनिंग भी कर रहे थे, जो उनका पोस्चर है, उनका स्किल है, जो टेक्निकलिटी है, जो पहले हमें नहीं पराए देखने को मिलती थी, तो हमें दिख रहा है कि वो ट्रेनिंग लगातार कर रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही आज 31 अक्टूबर था, तो 31 अक्टूबर हम सभी जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिवस है। ये राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं, उसमें एकता की शपथ हम लोगों ने ली है। आज जो हमने उसके लिए रन फॉर यूनिटी का भी आयोजन यहाँ पर किया था, तो सुबह सुबह सभी बहुत बच्चों ने भी और ओपन वर्क के लोगों ने भी बहुत प्रतिभाग किया था और समाज में एक संदेश दिया था एकता अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए। साथ ही उस मैराथन में हमने नशा मुक्त समाज, नशा मुक्त भारत का भी के लिए भी अपील की थी, तो उनका प्रदर्शन हुआ था। तो ये सभी चीज़ें क्लब करते हुए आज का आयोजन किया गया। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, हमारा सारा एजुकेशन डिपार्टमेंट, पीआरडी डिपार्टमेंट, खेल विभाग मिल के एक बहुत अच्छे से इन खेलों को आयोजित करेगा और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ियों को निकालेगा जो राज्य स्तर पर हमारा नाम रोशन करेंगे बागेश्वर का, और देश स्तर पर भी हमारे बागेश्वर का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि आज बहुत ही हमारे लोह पुरुष, हमारे भारत रत्न सरदार पटेल जी का भी जयंती है, और इस जयंती को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं, और उसी के क्रम में आज बागेश्वर जनपद में युवा कल्याण विभाग द्वारा जो खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया, और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि खेलों के माध्यम से भी हमारा जनपद अग्रणी जनपदों में रहे, हमारे जो बच्चे हैं, जो नौनिहाल हैं, वो इस प्रदेश में, इस देश में खेलों के माध्यम से भी हमारे जनपद का नाम आगे रोशन करें। और मैं इस अवसर पर अपने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए समय समय पर, चाहे खेलों के माध्यम से हो, चाहे रोजगार के माध्यम से, अन्य अन्य माध्यमों से, निश्चित रूप से इस प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और उसी के निमित्त वो इस प्रदेश में युवा आगे बढ़े, उनके रोजगारों के लिए समय समय पर आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन इस उत्तराखंड में करके, क्योंकि हमारे बच्चे जिस तरह से खेलों के माध्यम से स्वस्थ रहेंगे, उनका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, और निश्चित रूप से वो विभिन्न विभिन्न जो भी उनके आगे को जो भी रूपरेखा होगी उसको और बढ़िया बनाने का काम करेंगे। मैं पुनः आज के इस शुभ अवसर पर अपने बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और विशेष रूप से युवा कल्याण विभाग जिसके द्वारा ये यहाँ पर आयोजन किया गया, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।